तो हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं जौनपुर कराकत, जो कि एक इंडिया के सबसे मशहूर डॉक्टर हैं जो कि हकीमी दवा देते हैं। तो अभी हम लोग थे आजमगढ़ से आगे, जो कि ये बहुत ही खूबसूरत मदरसा पड़ा, इसकी वजह से हम लोग रुक गए देखने के लिए। ये बहुत ही खूबसूरत मदरसा, ये बनारस वाले रोड पे ही है। आजमगढ़ से जब आप बनारस की तरफ जाते हैं, तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं कराकत। बता दें, यहाँ से ये जौनपुर ज़िले में पड़ता है। यहाँ से जौनपुर लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी यहाँ से है जौनपुर की। तो आप लोग देख सकते हैं ये शौचालय यहाँ पे बन रहा है, कितनी खूबसूरत। हमारे गांव में ये इतना खंडहर की तरह यहाँ पे कितनी खूबसूरती से बना हुआ है। तो बता दें दोस्तों, ये डॉक्टर के पास बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दवा लेने के लिए। आप गाड़ी के नंबर से देख सकते हैं कितनी दूर से लोग आए हुए हैं, वेस्ट बंगाल से, बिहार से। जो कि बता दें, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, इसके वजह से यहाँ पे बहुत जगह खाली दिखाई दे रही है, ज़्यादा भीड़ नहीं है इसकी वजह से, वरना फिर यहाँ पे तो इतनी भीड़ लगती है कि चलने की भी जगह नहीं रहती है। चलिए आप वीडियो पर बने रहें दोस्तों, और वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अगर आप दूर से आते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ लगती है, तो रेस्ट करने के लिए बता दें आपको यहाँ पे खटिया भी मिल सकती है, जो कि 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया लोग लेते हैं यहाँ के लोग चार्ज इस खटिए का। आप यहाँ पे रेस्ट आराम से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये डॉक्टर का क्लिनिक है, जहाँ पर डॉक्टर साहब बैठते हैं और देखते हैं डॉक्टर साहब। तो ये देख सकते हैं डॉक्टर साहब बहुत सिंपल ही तरीके से देखते हैं, बाहर ही बैठ के देखते हैं सबको। और आप देख सकते हैं आज भीड़ बहुत ही कम है, और इनकी वजह से आसपास के लोगों की भी बहुत अच्छी रोजी रोटी चलती है। आप देख सकते हैं भीड़ आज ना के बराबर है इसी क्लिनिक में, वो डॉक्टर साहब बैठते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ। आपको बता दें कि नंबर से कहाँ से लगता है, और देखते हैं कहाँ पे, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बता दें आप लोगों को, यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठते हैं, देखते हैं, और नंबर लगाने के लिए घर के पीछे जाना पड़ता है। आपको वो भी दिखाते हैं हम किस जगह पर नंबर लगता है, और आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे उतर के ये राइट साइड में जो रास्ता गया हुआ है, इधर देख सकते हैं दो लोग खड़े हैं, इधर नंबर लगता है, इधर देख सकते हैं एक लोग नंबर लगवा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे नंबर लगता है पहले। नंबर लगने के बाद फिर उधर सामने की तरफ से आवाज़ आती है, लोग बुलाते हैं नंबर के जरिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे इधर दवा मिलती है दोस्तों। ये सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि दवा का लोग बहुत ज़्यादा वेट करते हैं, दवा बांधने में बहुत टाइम लगता है। इनकी दवा जो कि बता दें बहुत ही अच्छी दवा, हर एक चीज़ों के लिए। यहाँ पे वेटिंग हॉल भी बहुत मतलब ठीक ठाक ही है, बड़ा बना हुआ है, आप यहाँ दवा के लिए इंतज़ार कर सकते हैं। आज बता दें आज कृष्ण जन्माष्टमी होने की वजह से आज भीड़ बहुत कम है, इसके वजह से आज पब्लिक ज़्यादा दिख नहीं रही है। तो दोस्तों आप वीडियो पर बने रहें, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों देख सकते हो कि क्लिनिक के जस्ट पीछे ही ये
एक मंदिर है और ये प्राइमरी स्कूल है। देख सकते हैं यहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं, अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यही ये पीछे से इनका क्लिनिक का जो कि हिस्सा है, आप देख सकते हैं ये। और आपको अब हम लेके चलते हैं दूसरी की तरफ। बता दें दोस्तों, यहीं पे नदिया के पार मूवी शूटिंग हुई थी, जो कि बहुत ही पुरानी पिक्चर और बहुत ही फेमस पिक्चर थी, नदिया के पार। चलिए तो वो भी हम आप लोगों को दिखाते हैं, नदी और जो नदिया के पार में जो बागीचा था वो भी हम आपको दिखाते हैं वीडियो में। तो वीडियो पे आप बने रहें, और वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।